स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि अगर कोई सब्सटेंस M जिसकी स्पेसिफिक हीट C और राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर राइज डेल्टा T हो जाए, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा T। तो उसमें C स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट। अब है स्पेसिफिक हीट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। तो इन सिंपल वर्ड, अगर आपके पास कोई यूनिट सब्सटेंस है, जैसे 1 kg सब्सटेंस है, आप इस 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाना चाहते हो, अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर आपके पास सब्सटेंस 1 kg ना हो, 1 kg से ज़्यादा हो, जैसे mkg हो, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, m into c। 1 kg के लिए c और mkg के लिए m into c। तो अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री है तो आपको हीट देनी पड़ रही है m into c, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर डेल्टा टी है तो हीट कितनी देनी पड़ेगी, q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो इसको डेल्टा q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि इफ डेल्टा q इज अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास m थ्रू डेल्टा t, तो अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होगा, एम सी डेल्टा टी। याद रखने वाली बात यह है कि c इसमें छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा c है, छोटा सी इज स्पेसिफिक हीट, कैपिटल सी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक। तो आज के बाद अगर आपको मास गिवन होगा, स्पेसिफिक हीट गिवन होगी, राइज इन टेम्परेचर गिवन होगा, आप अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यहाँ से आप निकाल सकते हो। स्पेसिफिक हीट के यूनिट क्या होंगे, स्पेसिफिक हीट के यूनिट, ये अगर CGS में बात करती हो तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और अगर SI में बात करती हो तो हीट किस में, जूल में, और मास किस में, kg में, और पर केल्विन में, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, ठीक है, तो ग्राम की जगह kg हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है, जो अभी हमने स्पेसिफिक हीट किया, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट 1 यूनिट मास के लिए था, मोलर स्पेसिफिक हीट का काम 1 मोल के लिए है। तो कुछ नहीं करना इसमें, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। 1 kg था, यही 1 मोल है। तो इसमें फॉर्मूला, इसमें एम सी डेल्टा टी नहीं, मास नहीं, इसमें मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स, और सी स्पेसिफिक हीट नहीं, इसमें बड़ा सी, छोटे सी और बड़े सी में फर्क है, जो छोटा सी है वो स्पेसिफिक हीट है, वो kg के अंदर चलता है, जो बड़ा सी है वो मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये मोल्स में चलता है, इंटू डेल्टा टी। तो इसमें कैपिटल सी के यूनिट्स क्या बनेंगे, कैलोरी, CGS में कैलोरी, SI में जूल, और पर मोल पर डिग्री सेल्सियस है, पर केल्विन एक ही बात है, ठीक है, तो वो पर kg है, ये पर मोल में चलता है। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। देखो जो हीट कैपेसिटी है, आप ऐसा करें, हीट कैपेसिटी में अब क्यू, हीट का फॉर्मूला होता क्या है, एम सी डेल्टा टी। तो अगर आपका सब्सटेंस एम केजी का सब्सटेंस है और राइज इन टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस है, बस 1 यूनिट राइज इन टेम्परेचर है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, हीट कैपेसिटी है कि अगर कोई सब्सटेंस का मास m है और स्पेसिफिक हीट c है और राइज इन टेम्परेचर अगर डेल्टा टी हर हालत में 1 है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के अंदर m into c डेल्टा टी, तो इसमें 1 होता है, इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसमें कम यूज होती है वैसे, जब यूज होगी तब की तब देखेंगे, वैसे एम सी डेल्टा टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है वाटर इक्विलेंट। याद करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन, वाटर इक्विलेंट होता क्या है इसको समझाता हूं। जैसे सपोज करो आपके पास एक कॉपर का एक कंटेनर है, कॉपर के कंटेनर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, आपने हीट दी और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मास, मास ऑफ कॉपर आपको क्वेश्चन में गिवन है 12 kg, आपसे ये पूछा जा रहा है आपने इसको कितनी हीट दी, तो आपने कहा ठीक है, हीट इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। सिंपल, आपने कॉपर के लिए क्या लगा दिया, एम सी डेल्टा टी, where m is mass of copper, c specific heat of copper, और rise of temperature। mass of copper तो मुझे given था,
राइज ऑफ टेम्परेचर भी गिवन था। अब प्रॉब्लम कहां पर है, मेरे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर नहीं पता। इसकी जगह आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि मास ऑफ कॉपर इतना, या रादर ऐसे लिखा होगा मास ऑफ कॉपर की जगह कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट 12 केजी है। मास ऑफ कॉपर देने की बजाय वो क्या लिखेगा कि कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट 12 केजी है। इसका मतलब कि कॉपर का मास तो 12 केजी है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब कि आप इसका जो मटेरियल है वो कॉपर का ना माने, आप इसका मटेरियल इमेजिन करें किसका बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है। इमेजिन करें, है तो कॉपर का ही, पर इमेजिन करें कि ये वाटर का बना हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट यहां पर किसकी यूज कर लेंगे, वाटर की, जो कि हमें याद होती है। ये इसलिए गिवन होता है कि लोगों को कॉपर एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट याद नहीं होती, वाटर की तुम याद ही कर लेते हैं, वन होती है, तो इसलिए वर्ड क्या चलता है इसमें, वाटर इक्विवेलेंट। तो जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम की एक बॉल है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 12 केजी है, तो यानी कि मास तो एल्यूमिनियम का ही लेंगे बॉल का, पर स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की नहीं लेंगे, अब किसकी लेंगे, वाटर की इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, जब यूज होगा न्यूमेरिकल में तब की तब दिखाऊंगा, बट आइडिया समझ में आ रहा है वाटर इक्विवेलेंट कैसे काम आएगा इसमें, ठीक है, बस स्पेसिफिक हीट वाटर की यूज करेंगे, इतना सा काम है। नेक्स्ट है कैलोरीमेट्री। लास्ट टाइम ऐसा ही टर्म यूज किया था थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें टेम्परेचर मेजरमेंट होती है, कैलोरीमेट्री ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसमें हीट की कैलकुलेशन होती है, हीट मेजरमेंट होती है कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लॉ ऑफ मिक्सचर क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सचर एक ही स्टेटमेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन, वो ये कि हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इसे। एग्जांपल ये है कि सपोज करो आपके पास एक एल्यूमिनियम की बॉल है या एक कोई भी मटीरियल है एट 100 डिग्री सेल्सियस, आपके पास वाटर है, पानी है एट 20 डिग्री सेल्सियस, आपने गरम गरम बॉल पानी में डाल दी तो बॉल का टेम्परेचर लूज हो जाए, टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, वाटर का टेम्परेचर अप हो जाएगा, और थोड़ी देर में सपोज दे विल अटेन एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो बॉल भी 23 डिग्री सेल्सियस पे आ गई और पानी भी 23 पे आ गया, तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बॉल का टेम्परेचर लूज हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। जो एल्यूमिनियम ने जो हीट लूज की वही हीट किसने गेन की, वाटर ने हीट गेन कर ली। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो यही चीज है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग में कोई हीट नहीं चाहिए, आपस में हीट रहेगी। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, देखो चेंज ऑफ स्टेट सबको पता है क्या होती है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का वेपर में चेंज होना, चेंज ऑफ स्टेट। एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, हमें हीट देनी पड़ती है आइस को ताकि लिक्विड बन जाए। वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड गर्म उबल रहे, हीट दोगे तो वेपर बन जाएगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट हो गया। कंडेंसेशन ऑफ वेपर, वेपर को ठंडा करोगे तो लिक्विड, ऐसी फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड आइस बन जाएगा। ये चेंज ऑफ स्टेट है। इस चेंज ऑफ स्टेट के लिए, ये हम बाद में करेंगे अभी, इस चेंज ऑफ स्टेट के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या चीज है, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, हिडन। जैसे सपोज करो आपके पास आइस है, सपोज आपके पास आइस है, आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस को आपने ठंडा पानी बनाना है पिघला के एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी भी सबसे पहले 0 पे बनता है। अब सोचने वाली बात यह है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है,
पानी जो बना वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसके लिए आइस में क्या देनी पड़ेगी हमें, हीट हीट देनी पड़ेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि यार आइस हमसे हीट ले गई, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आया, ठंडा पानी बन गया एट 0 डिग्री सेल्सियस, हीट कहाँ गई है ना, दिख नहीं रही वो हीट कहाँ गई, हिडन हो गई, वो छुप गई, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में काम आई। तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने की हीट के दौरान टेम्परेचर कभी चेंज होता नहीं, उबलता हुआ पानी है 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम बन गई 100 डिग्री सेल्सियस, क्यों बनी, क्योंकि मैंने उबलते हुए पानी को हीट दी थी, वो हीट अंदर जाके छुप गई, पता नहीं कहाँ गई, नहीं वो छुपी नहीं, वो एक्चुअल में स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में काम आई। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो स्टेट ऑफ मैटर चेंज करती है, टेम्परेचर रिमेनिंग दी सेम, तो जो स्टेट ऑफ मैटर दो सॉलिड लिक्विड बना, लिक्विड सॉलिड बना, उनका टेम्परेचर सेम रखते हुए उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट, बता दिया मैंने। और लेटेंट हीट के अंदर सपोज करो आप मेरे को m ग्राम ऑफ आइस दो और आप ये कहो कि आइस को पानी में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो मैं उसको उसकी लेटेंट हीट से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो q इज इक्वल टू ml, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आइस को कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही अगर मान लो उबलता हुआ पानी है m और आप कहो कि मुझे उसको वेपर बनाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, मैं उसकी लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी ताकि जो वाटर है वो वेपर में कितनी हीट से कन्वर्ट होगा। तो एल के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्यू बाई एम, क्यू बाई एम का मतलब सीजीएस में क्या होंगे, कैलोरी पर ग्राम, और एसआई में क्या होगा, जूल पर केजी। ठीक है, लेटेंट हीट दो किस्म की है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। फ्यूजन कब काम आती है, जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होती है, जैसे आइस से वाटर, वाटर से आइस, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्ट हो रही है जब कोई चीज। और वेपराइजेशन कब काम आती है, जब कोई चीज बॉयल हो रही होती है और सब्सटेंस जो वेपर बन जाता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है, दोनों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो वेपराइजेशन की हीट डिफरेंट है और फ्यूजन की हीट डिफरेंट है। क्वेश्चन में गिवन होती है फ्यूजन और वेपराइजेशन की हीट, आपने फॉर्मूला जो याद करना होता है क्यू इज इक्वल टू एम एल। यूज कैसे करना है, अब ये दोनों फॉर्मूलाज को इसको समझते हैं। आगे चलने से पहले अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको कुछ नहीं गिवन लेटेंट हीट, तो बाय डिफॉल्ट आप रिमेंबर करेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम वेपराइजेशन वाटर की क्या होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, और उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर क्या होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ये याद रखेंगे प्लीज, रिमेंबर, वैसे गिवन होती है, अगर नहीं गिवन तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करेंगे। ये बहुत सही न्यूमेरिकल है जो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका। हमारे पास आज की डेट में अब दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है कि अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है किसी सब्सटेंस का तो हीट रिक्वायर्ड कितनी है, एम सी डेल्टा टी। और दूसरा फॉर्मूला अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितनी है, क्यू इज इक्वल टू एम एल। क्वेश्चन आ गया कि मान लो आपके पास आइस है -150 डिग्री सेल्सियस पे और आपको इसको स्टीम बनाना है 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको हीट देनी पड़ेगी। जब आप इसे हीट देंगे तो एकदम आइस स्टीम नहीं बनेगी, क्या स्टेजेस हैं, पहले हीट लेके आइस आइस बनेगी एट 0 डिग्री सेल्सियस, पहले आइस आइस ही बनेगी एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस गर्म होएगी, फिर आइस की स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में बनेगी, फिर पानी गर्म होगा 0 डिग्री सेल्सियस पानी, 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनेगा, फिर पानी का स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पानी, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनेगी, फिर स्टीम गर्म होगी, 100 डिग्री स्टीम, 150 डिग्री स्टीम। स्टेजेस समझ में आ रही है, यहाँ तक एकदम बाईपास नहीं, कोई स्टेज मिस हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ हीट अगर निकालनी है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है आइस का, तो आइस को -150 से जीरो लाने में तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, एम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, जब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है फॉर्मूला एक ही लगता है, क्यू इज इक्वल टू एम एल, क्योंकि आइस वाटर, वाटर आइस है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे, राइट। फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम सी डेल्टा थीटा लगेगा और डेल्टा थीटा 100 माइनस 0। फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ करेक्शन करो, वी
एल के पैर में वी करो, लेटेंट हीट ऑफ यहां पर वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अमाउंट ऑफ हीट कैसे निकालनी है क्वेश्चन जब आएगा, तो जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपने सारी स्टेजेस की हीट अलग अलग निकालनी है और सबको ऐड करके आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कैसे करना है न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक। बस ये बता रहा हूं कि कब Q इज इक्वल टू एम एल लगेगा और कब एम सी डेल्टा टी लगेगा। अब इसके अंदर एक चीज और नोट करें, जब ग्राफ बना किसमें, टेम्परेचर का वर्सेस किसका, हीट का, ध्यान देखना, ये मान लो माइनस 20 डिग्री सेल्सियस है, आइस है, तो आइस को अगर 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे लेके आना है तो हीट देनी पड़ेगी। देखो ग्राफ राइट मुड़ा, हीट देनी पड़ी, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस आई, 0 डिग्री सेल्सियस क्या बना, वाटर बना, हीट देनी पड़ी लेकिन टेम्परेचर रिमेनिंग सेम, फ्लैट हो गया ग्राफ। फिर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर हीट देनी पड़ी, एक्स एक्सिस में हीट देनी पड़ी, टेम्परेचर भी चेंज हुआ 100, फिर 100 वाटर 100 वेपर, तो हीट देनी पड़ी लेकिन टेम्परेचर रिमेनिंग सेम। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। ये हीट कहाँ से आ रही है, ये हीट यहाँ से आ रही है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे ग्राफ कैसे बन रहा है इसमें, ठीक। उसी तरीके से एक और ग्राफ है मिलता जुलता, जो भी हमने यहाँ से छोड़ा था वहीं से पकड़ते हैं इसे, देखो। तो सेम ग्राफ है, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, ये मेल्टिंग ऑफ आइस है, टाइम के साथ आइस मेल्ट हो रही है लेकिन टेम्परेचर रिमेनिंग सेम, कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने में टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता। फिर लिक्विड बन रहा है तो टाइम लगेगा लिक्विड बनने में, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर वेपर, लिक्विड से वेपर बनने में टेम्परेचर रिमेनिंग सेम, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है और फिर वेपर गर्म हो रहे हैं। तो ये ग्राफ कैसे बनते हैं समझ में आ रहा है, ये ग्राफ का मतलब क्या होता है? जब भी फ्लैट ग्राफ आता है इसका मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सब्सटेंसेस विच एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग, जो एक्सपैंड होते हैं मेल्ट करने पे, जैसे सल्फर या वैक्स, मेल्टिंग पॉइंट इनका इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे आइस या आयरन, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ये वेरिएशन है इसकी। और ऐसी अफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग, अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जिसको रेगुलेशन बोलते हैं, तो ये फिनोमेना है क्या रेगुलेशन का, इट इज द फिनोमेना इन विच आइस मेल्ट्स व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड अगेन फ्रीजेस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड। इसका एग्जांपल है कैसे, सड़क पे आइस पड़ी हुई थी, एक टायर उस पे से निकल गया, कार निकल गई और ठंड पड़ी हुई थी, तो आइस जैसे ही निकला मेल्ट हो गई, प्रेशर पड़ा तो आइस मेल्ट हो गई, लेकिन जैसे ही टायर निकल गया वो जो पानी बना था वापस आइस बन गया। तो ये रेगुलेशन है, तो मतलब प्रेशर लगाया तो पानी बन गया, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, हटाया तो वापस वही स्टेट मैटर वापस आ गई, ठीक, क्रश हो गई जो मर्जी कह लो, फिर वापस रीगेन कर गई, बस इसका मतलब ये आता नहीं है, ये बात पक्की है, ठीक है यहां तक। अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो कुकिंग इज डिफिकल्ट एट माउंटेन्स, मैगी खाओ ठंड ठंड में ऊपर माइनस रोड बनती नहीं है आधा आधा घंटा, तो वो बनती नहीं है। एटमोस्फेरिक प्रेशर एट माउंटेन्स इज मच लोअर देन दी प्लेन्स, सो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट अ टेम्परेचर मच लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है, मान लो 80 डिग्री हो गया, उस पर उबलना स्टार्ट हो जाता है, मैगी थोड़ा 80 डिग्री पे बनेगी, मैगी बनेगी 100 पे, 100 पे जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैगी लेट बनती है, कुकिंग डिफिकल्ट है। प्रेशर इनसाइड अ प्रेशर कुकर इज इंक्रीज्ड मच अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय नॉट अलाउइंग स्टीम टू एस्केप, ढक दो, कोई चीज़ बना रहे हो प्रेशर कुकर को ढक दो, जल्दी बनेगी क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो आपने बढ़ा दिया, उससे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें चेंज आ गया, तो वो जल्दी बन जाएंगी, उल्टा काम है, प्रेशर कम हो गया तो देर से बनेगी, प्रेशर बढ़ गया तो जल्दी बनेंगी। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए।